Thank you, Krishna. It's indeed a great pleasure as always. And let me welcome all the participants on behalf of Pune Chinchwad Education Trust, Pune Business School, and on behalf of myself. On today's topic, which is enhancing people skills, the real growth multiplier in life through parables. So friends, what we are going to do today, we are going to look at, with the help of few parables, as to how to improve your people skills. And let me start with a story. एक बार एक गांव के बाहर गांव के सरपंच बैठे थे और उनका नाम था रसोची और बैठे थे गांव के बाहर चबूतरे पर और उनके साथ में दो चार लोग और बैठे थे। इतने में बाहर से कोई एक आदमी आया और उसने रसोची से पूछा, सरपंच जी, आप जरा मुझे बताएंगे कि ये गांव कैसा है, ये गांव में जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं। रसोची ने कहा, आप जिस गांव से आ रहे हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। तो उस आदमी ने कहा कि देखिए, उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं और उस गांव के लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए मैं वो गांव को छोड़कर किसी और दूसरे गांव में बसना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि इस गांव के लोग कैसे हैं। रसोची ने कहा कि इस गांव के लोग तो आपका जो गांव है उसके जो लोग हैं उससे भी ज़्यादा खराब हैं। तो वो आदमी रसोची की बात सुन के चला गया। फिर एक दूसरा आदमी आया और उसने भी यही सवाल पूछा रसोची से, सरपंच जी, ये गांव के लोग कैसे हैं। रसोची ने उस आदमी से पूछा, आप मुझे ये बताइए कि जिस गांव से आप आते हैं उस गांव के लोग कैसे हैं। उस आदमी ने कहा, सरपंच जी, उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वो गांव छोड़ने का, पर मैं क्या करूं, उस गांव में बच्चियों का स्कूल नहीं है, गर्ल्स का स्कूल नहीं है और मेरी बेटी है और मैं मेरी बेटी को पढ़ाना चाहता हूं, तो इसीलिए मैं वो गांव छोड़ के दूसरे गांव में शिफ्ट करना चाहता हूं। मेरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वो गांव छोड़ने का, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है इसलिए मैं वो गांव छोड़ना चाहता हूं। तो रसोची ने कहा कि इस गांव के लोग तो आपका जो गांव है उस गांव के लोगों से भी और भी ज़्यादा अच्छे हैं। उस आदमी ने रसोची को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं शीघ्र ही ये गांव में शिफ्ट करूंगा। तो वो आदमी चला गया तो रसोची के पास जो दो चार लोग बैठे थे उन्होंने रसोची से पूछा, सरपंच जी, ये क्या बात हुई, पहला आदमी आया उसने आपसे पूछा कि ये गांव के लोग कैसे हैं तो आपने उससे कह दिया कि ये गांव के लोग खराब हैं, और दूसरा जो आदमी आया और उसने भी सेम सवाल किया लेकिन उसको आपने कहा कि ये गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, ये क्या बात हुई। रसोची ने कहा, देखो, सब जगह के लोग एक जैसे होते हैं, सब जगह के लोग ऐसे एक जैसे होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। अगर आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा है और अगर आप में ही कमियां हैं तो सब कुछ, सभी जगह आपको कमियां दिखने वाली हैं, और अगर सब जगह आप कमियां देखोगे तो आप स्वर्ग में भी चले जाओगे तो वहां भी कमियां निकाल लोगे। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस फ्रेंड्स ऑफ पीपल स्किल्स, एवरी वन ऑफ अस, एंड एज आई से एवरी वन ऑफ अस डज नॉट मीन ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, अटेंडिंग दिस प्रोग्राम। All the people, meaning everyone on this earth, wants to grow in his life, wants to reach pinnacle of success, wants to realize his dreams, wants to do something which nobody has ever done. But we need to remember one thing very clearly, friends. Agar hame apne jeevan mein kamyab hona hai, successful hona hai, अगर हमें हमारे जीवन में वो हासिल करना है जो कि हम हासिल करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो हमको अपने मन मस्तिष्क में बड़े ही मजबूती से समझ के लेनी होगी
कि दुनिया में जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए पीपल स्किल्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीपल स्किल्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर मैं और आप पीपल को मैनेज नहीं कर सकते, लोगों को मैनेज नहीं कर सकते, अगर मुझे और आपको लोगों को हैंडल करना नहीं आता है, तो हमारे पास दुनिया की सारी क्वालिफिकेशंस हो सकती हैं, उसके बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, उसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके बावजूद भी हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रोथ कैन हैपन ओनली विद द सपोर्ट ऑफ पीपल, ग्रोथ कैन हैपन ओनली विद द एंगेजमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर पीपल। सॉरी, जैसे कि हिंदी में एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एंड सेम थिंग इज एप्लीकेबल, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू मच। एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू अचीव समथिंग ग्रेट इन हिज लाइफ, ही हैज टू रिमेंबर दैट इट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ पीपल, एंड फॉर दैट वी हैव टू बी गुड इन पीपल स्किल्स। एंड टूडे दैट इज द एम एंड ऑब्जेक्टिव फ्रेंड्स of our programs to understand as to what people skills are and how to be good at people skills, how to be good at in managing people, how to ensure that we always have good relations with the people, how to ensure that we are able to get the work done from the people around us, how to ensure that we are able to give colors to our dreams with the help and support of the people. People skills, that is the focus. So what is the purpose of this session that we have today, friends? Number one, to become aware of the power of people skills in realizing our dreams. समझ सकते हैं आप, आज टाटा इतनी बड़ी एम्पायर है, आज बिरला इतनी बड़ी एम्पायर है, आज गूगल इतनी बड़ी एम्पायर है, आज अंबानी इतने बड़े एम्पायर हैं, आज इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आज इतनी सारी और कंपनियां हैं, इतने सारे और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। Will it be ever possible for any one of them to create such big empires, to create such big organizations without the help of people? And the answer, of course, is no. So first and foremost, our aim and objective behind this session is to become aware of the power of people skills and in realizing our life dreams. To know how to be good in people skills and how to make it this attitude an integral part of our personality. कैसे और क्या करके हम ऐसा करें कि लोगों को हमारी people skills should become part of our attitude, it should become part of our DNA, it should become part of our thought process round the clock. Awareness, and remember friends, awareness is the key for any transformation in life. Awareness is the key for any transformation in life. This is the purpose that we have, friends, behind this program. Let us look at the outset, what is importance of people skills? Importance of people skills, why it is important for every one of us to be good in people skills. Number one, everything that we achieve in life is with involvement of other people. Therefore, we need to understand and respect people. All said and done, some people may be like sharks, but we still have to deal with them. It is possible. Remember, the world is made up of all kinds of people. All kinds of people. Some of them may be good. Some of them may not be good. And those who are not good, still we have to learn how to manage, still we need to get our work done, or we still need to ensure that we are able to keep a safe distance from such people, so that without letting our purpose affected, we are still able to get our work done from them. People support is an absolute must for achieving success in every walk of life. So do not try to change others, change yourself. This is a tragedy in case of most of the relationship. Most of the relationship, whether it is between father and son, or husband and wife, or it is between brothers and sisters, or it is between the boss and the subordinate. What is happening is
Nobody is wanting to change himself or herself. Everybody is wanting to change others. Doesn't work. And that is what we need to understand for being good in people skills. Our aim should not be to be happy, merely happy. Our aim should not be to be merely happy. Our aim should be to be perennially happy. And remember, to be perennially happy, what we need to have good relations with people. Good relations with people. Anyone who is having good relations with people will always be at a blissful state of mind. And anyone who is all the time at loggerheads with people will always live a tensed life. And that is the importance of people skills. Attitude of let go is critical for people management. Every adverse situation is an opportunity to improve people skills. This, friends, is the importance of people skill. This is the importance of people skill. And that is what we need to carry all the time in our mind. Why? Remember, because awareness is the key for every transformation in life. And only when we have the awareness, we will experience the transformation happening in our life. A person with bad people skills will always be tensed. And a person with good people skills will invariably be in jovial mood. बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप अपने खुद के जीवन में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत खुश हैं. ऑल द टाइम दे आर हैप्पी. एंड वाई दे आर हैप्पी ऑल द टाइम? Because these are the people, they know how to manage people. These are the people who always have good relations with all the people around. And you will always find some people around you, they are always under tension. They are always under tension. And why they are under tension? Because their relations with people around are not good. And therefore, one has to remember, if you want to be in the jovial state of mind, ensure that your relations with people are good. And in case, if your relations with people are not good, unfortunately, you will always be tensed. Remember, when I say people skills, it includes all people. So I'm not saying, when I'm saying skilled people, I'm not saying only people that you come across or interact with in your office or in your workplace. No. So when I say people skills include all people, that means all, meaning absolutely all. So everybody at home, everybody in society that you interact with, everybody in your workplace that you interact with, and otherwise also. So therefore, when we talk about people skills, remember, I'm not talking about the relationship between the boss and the subordinate. That is one aspect. When I say people skill, I'm talking about all. So you should be able to have good relations within your family, with your brothers, your sisters, your husband, your wife, your children. Extremely important. Extremely important. And remember, and this is no big rocket science. आप आपके पास में अगर देखेंगे, थोड़ा observe करेंगे, और जो कि करना चाहिए, it is very important that all of us should keep on observing people around us. अगर आप अपने पास में थोड़ा सा observe करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि जितने भी लोग जो दुखी हैं, वो लोग हैं जो अपने लोगों के साथ में relations को maintain नहीं कर पाते हैं. और जो लोग सुखी हैं वो लोग हैं जिनके के लोगों के साथ में संपर्क संबंध बहुत अच्छे हैं. सो व्हेन आई से पीपल स्किल्स, दैट मींस एवरीवन, एब्सोल्युटली एवरीवन. योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फादर, योर सन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, योर कलीग, योर सोसाइटी मेंबर, एवरीवन. सो द रिलेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल स्किल्स, रिलेशंस विद एवरीवन. कहते हैं, सबसे अच्छे संबंध रखने वाले के सारे काम बिना पैसे के हो जाते हैं, नहीं तो करोड़ों का खर्चा करने वालों के छोटे छोटे काम भी अटक जाते हैं. पीपल स्किल, पीपल स्किल. जिस आदमी के सब लोगों के साथ में संबंध बढ़िया है,
उसको जरूरत पड़ने पर हजारों लोग खड़े हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, और उसका काम बिना पैसे के हो जाता है। लेकिन जिसके लोगों के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं, समवन हु डज नॉट नो हाउ टू डील विद पीपल, वो करोड़ों का खर्च करे तो भी उसके छोटे छोटे काम अटक जाते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पीपल स्किल। एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर एज यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑल्सो थिंकिंग साइमल्टेनियसली, एंड आई एम श्योर वेन यू आर थिंकिंग, लॉट ऑफ सच पीपल आर कमिंग इन योर माइंड स्क्रीन वेयर यू कैन सी, यस दिस जेंटलमैन इज कॉन्स्टेंटली अंडर टेंशन इज बिकॉज ही डज नॉट नो हाउ टू डील विद पीपल। और ये आदमी हमेशा खुश रहता है क्योंकि इसके बाकी सबके साथ में संबंध हमेशा मधुर होते हैं। इट इज एन एब्सोल्यूट मस्ट फॉर लीडरशिप रोल। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पीपल स्किल इज नेसेसरी ओनली व्हेन यू आर होल्डिंग पोजीशन ऑफ पावर, नो डाउट अबाउट इट। इफ यू आर होल्डिंग अ लीडरशिप पोजीशन, it becomes all the more important that you must be very good in people skills. You must be very good in people skills. And why is that so? Because in a leadership position, whether of a company or of any social organization or of a charitable organization or of a government organization or of a political organization or of a sports organization, and even your family also, because in family you are a karta, so you are a leader. In family you are holding a leadership position. So whenever and wherever anyone is holding a leadership position, it becomes all the more important for him to be good in public skills. And why to be good in public skills? Because as the leader of the organization, your responsibilities are too vast for you to handle them by yourself. Your responsibilities are so big that you need a big set of people. And if you are good in people skill, all these people who are working with you, working for you, they will always be prepared to ensure कि जो भी आपके plan हैं, जो भी आपके projects हैं, जो भी आपके ideas हैं, जो भी आपके thought process हैं, जो भी आपके initiatives हैं, वो सारे initiatives में ये सब लोग पूरी जी जान लगा के काम करेंगे if you are good in people skills, आप घर जाके आराम से सो सकोगे, आपको चिंता नहीं, आपको परवाह नहीं, क्योंकि आपके सारे लोगों के साथ में संबंध अच्छे हैं, तो आप जिसको जो बोल के जाएंगे वो आदमी वो काम करेगा और आप निश्चिंत होकर घर पर रहेंगे। लेकिन अगर कोई इंसान जिसके लोगों के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, लीडरशिप पोजीशन में है बट पीपल कॉन्टेक्ट्स आर नॉट गुड, रिमेंबर ही विल ऑलवेज बी इन डाउट, ही विल ऑलवेज फील इनसिक्योर, ही विल ऑलवेज फील अनसर्टेन। तो वो जब ऑफिस से घर जाएगा या जिस भी जगह का वो लीडर है वहाँ से घर जाएगा, तो उसके मस्तिष्क में यही डाउट्स घूमते रहेंगे कि मैंने ये लोगों को काम दिया तो है, पर ये लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे। एंड देयरफॉर दिस पर्सन, डिस्पाइट दैट ही इज होल्डिंग अ लीडरशिप पोजिशन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज अ लीडर, येट बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी टू डील विद पीपल, because of his commitment, because despite his commitment, अब ये देखिए, बंदा अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मेहनती है, committed है, dedicated है, सब कुछ है, knowledge है, confidence है, सब कुछ है, क्या नहीं है? People skill नहीं है, तो खुद 15-15, 20-20 घंटे काम करेगा, लेकिन चूंकि people skill नहीं है तो लोगों के ऊपर trust नहीं है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो when he goes home, he is under tension, he is under stress, because उसको नहीं मालूम कि कल जब वो अगले दिन ऑफिस पहुंचेगा तो लोगों ने काम किया होगा कि नहीं किया होगा। People skill, please remember, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ठोक 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 कर लिख लीजिए, पूरी तरह से ठोक के लिख लीजिए कि अगर जीवन को मस्ती से जीना है, अगर जीवन को आनंद से जीना है, अगर जीवन में बुलंदियों को छूना है, अगर जीवन में अपने सपनों को पूरा करना है, अगर जीवन में कुछ ऐसा करना है जो कि लोग जिसका एग्जाम्पल दें, तो ठोक के अपने मन मस्तिष्क पे लिख लीजिए कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ पीपल। एंड इफ इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ द पीपल, देन वन थिंग दैट आई हैव टू डू, आई हैव टू बी गुड
इन पीपल मैनेजमेंट, आई हैव टू बी गुड इन पीपल मैनेजमेंट। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, इट्स नॉट दैट इट्स अ रॉकेट साइंस, ऐसा नहीं है टू बी गुड इन पीपल स्किल्स यू हैव टू गो टू हार्वर्ड और यू हैव टू गो टू नासा और यू हैव टू गो टू स्पेस एंड लर्न सम न्यू टेक्निक एंड कम एंड देन यू विल बिकम अ गुड पीपल स्किल पर्सन। नो, इट्स वेरी इजी, इट्स जस्ट द अवेयरनेस, इज जस्ट द अवेयरनेस, जस्ट द अवेयरनेस। व्हाट अवेयरनेस? अवेयरनेस दैट अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो मैं लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकता हूँ, और अगर मैं लोगों की मदद के बिना नहीं कर सकता हूँ तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे मेरे लोगों के साथ में संपर्क, मुझे मेरे लोगों के साथ में रिलेशंस, मुझे मेरे लोगों के साथ में संपर्क, मुझे मेरे लोगों के साथ में रिलेशंस बहुत ही उत्तम दर्जे के रखने हैं। लिख लीजिए, सबसे अच्छे संबंध रखने वाले के सारे काम बिना पैसे के हो जाते हैं, और जिसके संबंध अच्छे ना हो उसके काम करोड़ों का खर्च करने के बाद भी अटक जाते हैं। हाउ बिग वी ग्रो एंड हाउ फार वी गो इन लाइफ डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हाउ वी मैनेज पीपल, हाउ वी मैनेज पीपल। अकेला आदमी कितना करेगा, कहाँ तक करेगा, लिमिटेशन है। बड़ा करना है, दूर तक जाना है, लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। पीपल स्किल वन हैज टू डेवलप। इंटरेस्टिंगली फ्रेंड्स, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर, वो ये कि बहुत सारे लोग मन के बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड एट हार्ट, दे आर वेरी गुड एट हार्ट, बट अनफॉर्चुनेटली इन माई ऑब्जर्वेशन आई फाइंड इवन दो दे आर वेरी गुड एट हार्ट, येट दे आर नॉट गुड इन पीपल स्किल्स, इन पीपल स्किल्स। मन के अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों के साथ में संबंध अच्छे नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसमें कुछ वायरस है, और उस वायरस को करेक्ट करने का करना जरूरी है। सो पीपल गुड एट हार्ट कैन स्टिल बी बैड इन पीपल स्किल्स, बिकॉज पीपल स्किल रिमेंबर इज अ मैटर ऑफ DNA, यानी कि आपकी यहाँ की प्रोग्रामिंग क्या है लोगों को डील करने की, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी पीपल स्किल्स कैसी हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ है तो वो प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्रामिंग नहीं करा जा सकता है, ऑफकोर्स करा जा सकता है, बट वॉट यू नीड इज अवेयरनेस। देर इज नथिंग ग्रेट इन बींग ब्लंट एंड द सो कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इफ इट डजेंट हेल्प द सिचुएशन। बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ, और बहुत सारे लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि देखो मैं तो जो भी आता है सामने मुंह पर बोल देता हूं, मैं तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, बट व्हाट अबाउट देयर ओन लाइफ? दे आर ब्लंट, दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, एवरीथिंग इज फाइन, बट इज इट हेल्पिंग यू? इट्स नॉट हेल्पिंग यू। इफ इट इज नॉट हेल्पिंग यू देन व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग ब्लंट? इफ इट इज नॉट हेल्पिंग यू और एनीवन देन व्हाट इज द यूज ऑफ बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड? इट इज बेटर नॉट टू बी ब्लंट। And why should you be? Because ultimately remember what is important, what is the objective? The objective is not for the person to become blunt. The objective is for person to become achiever. And that can happen only with the help of people skills. The attitude of I don't care for anyone is only an indicator that you don't care for yourself. आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े गर्व से ही बात कहते हैं, आई डोंट केयर फॉर एनीबडी, आई डोंट केयर फॉर एनीबडी। रिमेंबर, अगर आप इन लोगों को थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा दे सच पीपल हु से दैट आई डोंट केयर फॉर एनीवन, रियली स्पीकिंग व्हाट दे आर इंडिकेटिंग दैट दे डोंट केयर फॉर देमसेल्व्स। व्हाई? बिकॉज द मोमेंट यू से आई डोंट केयर फॉर एनीवन, effectively what message you are giving to everybody, you are giving a message to everybody that you also don't care for me. And remember, if nobody is caring for you, what will happen to you? Your life will become a hell, your life will become full of hardships and challenges and difficulties and problems. No point in taking pride in saying that I don't care for everyone, anyone. Rather start saying I care for everyone. I care for everyone. And remember, the moment you start saying that I care for everyone,
what message you are giving to everyone. You are giving message to everyone that I care for you and you care for me. So when I care for you, you care for me, automatically people skills starts happening. Automatically the relationship with the people starts blossoming. And that is what is required to achieve greater heights in life, people skills. Friends, let me share with you now some of the enemies of people skills. यानी कि कौन कौन से दुश्मन हैं अच्छे संबंध बनने में. Jealousy, anger, ego, superiority or inferiority complex, prejudiced mind, पूर्वाग्रह, पहले से ही दिमाग में सोच के रखा हुआ है उसके हिसाब से आगे की सोचें, that is again an enemy in people skills. Lack of concern for others, obviously if you do not have concerns for others, then by default others also will not have a concern for you, and that is enemy for good people skills. So these are the friends enemies of people skills. And why am I sharing all these enemies of people skills? For you to make a note of it. And why do I want you to make a note of it? For the simple reason, aap usko note karein aur note karke check karein ki kahin ye lafda mere saath mein to nahi hai, kahin inme se ye jo saat cheeze maine jab bhi aapko batayi isme se kuch mere saath mein applicable to nahi hai. Agar applicable hai, become aware, are yaar ye problem apne saath mein bhi hai. Write down on a piece of paper that I have got this problem as far as people skills are concerned, and also write down I am removing it. Read that paper as often as possible, and remember, after a while you will find that enemy. After a while you will find that enemy from your DNA has disappeared. What are the dangers of poor people skills? So I have discussed with you so far what are the benefits of good people skills. So many benefits of good people skills. Biggest of all, your dream realization can happen only with the help of people. Whatever you want to achieve in your life can only happen with the help of people. What are the dangers if I am not good in people skills? Kya kya khatre hai mujhe? क्या क्या नुकसान है मुझे इफ आई एम नॉट गुड इन पीपल स्किल्स? फेलवर, सीधी सी बात है, अकेला कितना करूंगा, एक लिमिट तक कर सकता हूं, उसके बाद अगर और कोई काम लूंगा, लोगों को हैंडल करना जानता नहीं हूं, लोगों को मैनेज करना जानता नहीं हूं, लोगों को काम दूंगा, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है मुझे मालूम नहीं, उनको कैसे बताना है मुझे मालूम नहीं, वो जो बोलते हैं उनको सुनना मुझे मालूम नहीं. व्हाट इज गोना हैपन? द वर्क विल नॉट बी डन. फेलवर, disappointments, obviously whatever I want to do I am not able to do because of bad people skills, the things will not happen. Failure will happen, will lead to disappointment. The disappointment will lead to frustration. Frustration will lead to stress. Stress will lead to tension, and tension will lead to all kinds of psychosomatic ailments. Friends, what I am discussing is plain simple truth. People with good people skills live a joyful life. People with bad people skills live a stressful life. And what is psychosomatic ailments? The diabetes, arthritis, spondylitis, hypertension, cholesterol, all these ailments, what are these? These are all psychosomatic ailments. And why we call them as psychosomatic ailments? We call them as psychosomatic ailments because they're all mind related. And what is the meaning of all mind related? The meaning of mind related is that because of your inability to deal with the people, you are causing stress for yourself. And since you are causing your stress for yourself, your brain has to work over. And since it has to work over, the kind of energy, the kind of efficiency, the kinds of oxygenation that it requires is not happening.
एज अ रिजल्ट ऑफ दैट सम ऑफ द ऑर्गन्स इन योर बॉडी आर मेल फंक्शनिंग एंड सिंस दे आर मेल फंक्शनिंग दैट इज वाई यू आर गेटिंग ऑल दी साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स दैट इज द डेंजर ऑफ पुअर पीपल स्किल्स स्पॉइल्ड रिलेशनशिप ऑब्वियसली अगर मेरे लोगों के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है मेरे लोगों के साथ में इफ आई एम नॉट गुड इन डीलिंग विद द पीपल रिलेशनशिप आर गोइंग टू बी स्पॉइल्ड इफ द रिलेशन आर स्पॉइल्ड ऑब्वियसली आई विल नॉट गेट द रिक्विजिट कोऑपरेशन आई विल नॉट गेट द रिक्विजिट सपोर्ट आई विल नॉट गेट रिक्विजिट कंसिडरेशन आई विल नॉट गेट रिक्विजिट इन्वॉल्वमेंट एंगेजमेंट फ्रॉम अदर्स एंड दैट इज वॉट इज अगेन गोइंग टू कॉज द स्पॉइल्ड रिलेशनशिप सो वॉट विल हैपन And friends, I would like all of you to please make note of it. Poor people skills puts you into a vicious cycle. Vicious cycle of what? Failure, disappointments, frustration, frustration causing stress, stress causing tension, tension causing psychosomatic ailments, and psychosomatic ailments causing spoiled relationship again leading to the failure, and the cycle keeps on repeating. So what we need to puncture this cycle. We need to break this vicious cycle so as to convert this into a virtuous cycle. And how can we convert this into a virtuous cycle is to understand as to how to have good people skills. And that is what we are going to understand now as we move forward. Remember friends, more often than not, jo maine dekha hai, jo maine observe kiya hai, और जो मैं लोगों को देखता हूँ और लोगों के कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व करता हूँ इनवेरिएबली मैसेज इज राइट तो मैसेज इज राइट मैसेज का प्रॉब्लम नहीं है डिलीवरी इज अ प्रॉब्लम वेदर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड हिज जूनियर और इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रेंड्स और इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स और इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड द वाइफ Or it is the relationship between the father and son. Everywhere, invariably, message is right. What is wrong is the delivery. For example, पिता है अपने बच्चे के रूम में आता है बच्चे के रूम में घुसता है और देखता है कि बच्चे के रूम में सारा सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा हुआ है वो बच्चे को बोलता है कि देख सुमित तू इतना बड़ा हो गया 17 साल का हो रहा है देख तेरा रूम कैसा रखा है तूने ये तेरा सामान गिटार यहाँ पड़ा है जूते वहाँ पड़े हैं बुक्स वहाँ पड़े हैं मोबाइल यहाँ पड़ा है कंप्यूटर वहाँ पड़ा है तू तरीके से क्यों नहीं रखता अपने सामान को बाप है चिंता है बेटे की बाप चाहता है कि मेरा बेटा जिम्मेदार बने बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा करे तो बाप को लगता है कि अगर मेरा बेटा रूम को ठीक तरह से रखेगा तो इसका मतलब अपनी ज़िंदगी को भी ठीक तरह से रखेगा उसको चिंता है तो बोलता है वो बेटा ध्यान नहीं देता वो सुनता नहीं है वो अपने काम में लगा हुआ है तो बाप को थोड़ा इरिटेशन होता है बोलता अरे सुमित मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ये तेरे रूम की तूने क्या हालत बना रखी है कुछ करता क्यों नहीं कुछ ठीक क्यों नहीं करता चीज़ों को तरीके से क्यों नहीं रखता बेटा तो बेटा है नहीं सुनता नहीं ध्यान देता तो बाप को गुस्सा आता है अरे बेवकूफ मैं तुझसे बात कर रहा हूँ तुझे सुनाई नहीं पड़ता है क्या गधा कहीं का नालायक कैसा क्रूम करके रखा है तूने शर्म नहीं आती तुझे बेवकूफ बदतमीज नालायक गधा अब देखिए मैसेज सही है मैसेज एकदम बराबर है मैसेज क्यों एकदम बराबर है इसलिए बराबर है क्योंकि बाप को चिंता है कि मेरा बेटा मेरी आंखें बंद करने से पहले जिम्मेदार हो जाए अपने करियर में पकड़ ले ताकि मैं निश्चिंत हो कि मेरे बुढ़ापे को जी सकूं समझा रहा है लेकिन कहाँ गड़बड़ हो गई डिलीवरी में गड़बड़ हो गई क्या गड़बड़ हो गई ऐसा बोल दिया जो बेटे को सुनना नहीं था अब बेटे ने क्या सुना बेटे ने पहला वाला हिस्सा नहीं सुना बेटे ने लास्ट वाला हिस्सा सुन लिया क्या सुन लिया कि मेरे बाप को लगता है मेरे पिताजी को लगता है कि मैं नालायक हूँ मैं गधा हूँ मैं बदतमीज़ हूँ तो अगर मेरे पिताजी को लगता है कि मैं नालायक हूँ मैं गधा हूँ मैं बदतमीज़ हूँ तो मेरे पिताजी को मैं यही बन के दिखाऊंगा मैसेज इज राइट डिलीवरी इज रॉन्ग एंड देन व्हाट हैपेंस यहाँ से पीपल स्किल का जो गैप शुरू होता है और जब गैप शुरू होता है तो बच्चा है समझ नहीं है ईगो होना नेचुरल है बाप है बड़ा हो गया है ईगो है वो भी नेचुरल है तो ईगो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है और एक समय आता है कि बाप बेटे आंख से आंख मिला के बात करते नहीं पीपल स्किल्स
एंड रिमेंबर, मैसेज इज राइट, डिलीवरी इज रॉन्ग. सो वॉट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एंश्योर एंड रिमेंबर ऑल द टाइम, फोकस नॉट ओनली ऑन द मैसेज बट ऑल्सो फोकस ऑन डिलीवरी. प्लीज रिमेंबर, बाप गलत नहीं है और बेटा भी गलत नहीं है. बाप क्यों गलत नहीं है? बाप गलत नहीं है और बेटा भी गलत नहीं है. बाप क्यों गलत नहीं है? क्योंकि बाप को चिंता है, बाप को चिंता है कि मेरा बेटा कुछ बन जाए. बेटा भी गलत नहीं है. बेटा क्यों गलत नहीं है? बेटा इसलिए गलत नहीं है कि जिस बाप ने उसको बचपन से लेके अब तक उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिस बाप ने उसकी हर फरमाइशें पूरी करी, जिस बाप ने उसके बोलने से पहले वो सारी चीज़ें ला के दी, तो वो बच्चे में अगर अपने पिता के प्रति इतना कॉम्प्लेसेंसी आ गई, इतना कॉन्फिडेंस आ गया, तो क्या गलत है? अच्छी बात है, अच्छी बात है. अगर आपकी प्रेजेंस में आपके बच्चे अगर अपने आप को केयरलेस फील करें, तो गुस्सा मत होना, अपनी पीठ को थपथपाना. अपनी पीठ को थपथपाना, अपनी पीठ को क्यों थपथपाना? अपनी पीठ को इसलिए थपथपाना क्योंकि आपने बच्चों को इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया कि आपकी प्रेजेंस में आपके बच्चे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं. और अगर आपके बच्चे आपकी प्रेजेंस में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, तो यू नीड टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, यू नीड टू बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, यू नीड टू बी अप्रिशिएटेड. बट डोंट फॉरगेट, खाली मैसेज पे ध्यान नहीं देना है, डिलीवरी पर भी ध्यान देना है. नाउ दी हाउ टू बी गुड एट पीपल स्किल्स, तो ये हमने सब डिस्कस किया. अब हम सीधे आते हैं कि पीपल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें. तो फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको तीन चीज़ें शेयर करने वाला हूँ. सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूँगा कि वो पावर्स जो आपके पास में हैं और अनलिमिटेड हैं, उनका इस्तेमाल करिए, उनको इस्तेमाल करने की आदत डालिए, उनका भरपूर इस्तेमाल करिए, और आप देखेंगे कि ये पावर इतनी सिंपल हैं, इतनी ईजी हैं, और बड़ी आप आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकते हो. उसके बाद में मैं आपसे चर्चा करूँगा कुछ टूल्स की, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इम्प्रूविंग योर पीपल स्किल्स. एंड फाइनली आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 10 कमांडमेंट्स ऑफ पीपल स्किल. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन. यूज द अनलिमिटेड पावर व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल विद यू. नाउ व्हाट इज दिस अनलिमिटेड पावर दैट यू एंड आई ऑलरेडी हैव विद अस टू हैव गुड पीपल स्किल्स? लेट अस यूज देम. What are these? So simple. We just need to remember them. हमको सब कुछ मालूम है. It's not that what I'm going to discuss with you is not known to you. You know it. But the only thing is awareness. Awareness is missing. We just need to bring the awareness and use all these unlimited powers. So what is it? Always carry a smiley face and cheerful expression. Cheerful expression. Remember, as they say, that have a smile on your face because it literally improves your face value. You are not carrying the burden, you are not carrying the whole earth on your shoulder. So there is no reason for you to carry an impression which is sulky, which is sad. Be always cheerful and smiley face. Ordering versus requesting doesn't really matter. बच्चे से बोल रहे हो, वाइफ से बोल रहे हो, हस्बैंड से बोल रहे हो, भाई से बोल रहे हो, कलीग से बोल रहे हो, ड्राइवर से बोल रहे हो, लिफ्टमैन से बोल रहे हो, सिक्योरिटी वाले से बोल रहे हो, डजंट रियली मैटर एज टू हु आर यू कम्युनिकेटिंग विद. मेक श्योर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डरिंग एंड रिक्वेस्टिंग. समटाइम्स बिकॉज सम पीपल हैव सर्टेन ऑब्लिगेशंस, therefore they might respond to your ordering also, but please remember, they will respond to your ordering but they will not feel good inside. And remember, agar mere bolne se mera kaam ho jaye lekin samne wale ko acha na lage to fir mere bolne ka fayda kya? So shift the gear from ordering to requesting. As when I say requesting, it does not mean that you are pleading. Requesting does not mean pleading. Requesting only means that let the other person also feel happy about it in doing it. Can you please do it for me? Use it.
use this phrase, can you please do it? I'm sorry, it's my mistake. Doesn't really matter. So what? I may be holding any position in my organization. If I make a mistake, let me remember, just because I don't say sorry, just because I don't admit my mistake when I'm making a mistake, it does not mean people are not noticing it. They are noticing it, but they are not speaking because of the hierarchy. But they are noticing it. And when they are noticing it, what impression they are gathering about the person? Obviously, not a positive impression. And therefore, if I make a mistake, I'm sorry, it's my mistake. And remember, higher the position that you hold in an organization or wherever it may be, politer you are, it builds credibility for you. It builds reputation for you. It builds goodwill for you. And that pays you in the long run. Thank you so much. It's so nice of you. Make use of it. Thank you so much. I am deeply obliged. Can I help you? Please, can I take your help? So if I have to ask someone for help, okay, I can order, but then it's not going to help me. It will help me also, but the other person may not feel very good about it. So what can I say? Please, can I take your help, or can I help you? It's my request. Will be nice if you can please consider it. Why say no when you say yes? When you can say yes. देखो बहुत सारे situations ऐसी होती हैं जगह आप हाँ बोल सकते हैं, अगर आप किसी को yes बोल सकते हैं, why should you say yes? You should feel privileged that you are in a position to help someone. So if you are in a position to help someone and if you can do it, say yes, because with that help you are getting a lot of credits to your account in terms of human value. And that human value is going to be much more valuable than the bank balance that you may have. Always show warmth. Be generous with people's mistake. Remember, is duniya mein koi bhi insaan aisa nahi hai jo ki janbujh ke galti karta ho. No one, without any exception, no one ever make mistake knowingly. Even if somebody thinks that he is making it knowingly, unfortunately, even that mistake he is making unknowingly. अगर एक बार आदमी को समझ में आ जाए कि ये गलत है, तो वो आदमी वो गलत काम को कर ही नहीं सकता. सो बी जनरस विद द पीपल्स मिस्टेक. सो अगर आपके सामने कोई बंदा, कोई पर्सन जो कि आपके कॉन्टेक्ट में है, अगर वो गलती कर दे, एंड इफ दैट मिस्टेक इज नॉट सो सिग्निफिकेंट, यू कैन बी जनरस. यू नो, यू कैन पार्डन हिम. देयर इज नो, यू कैन पार्डन हिम. यू कैन यू नीड नॉट रियली crucify him. You should crucify, perhaps is a little more tougher word, but what I mean to say is you can let go. ठीक है भाई, गलती हो गई, ध्यान रखो, आगे से मत करना. Forgive and seek forgiveness. Help people with gratitude to the Almighty. तो अगर जीवन में किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो बिल्कुल करिए, बिल्कुल मदद करिए. और खाली मदद मत करिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए. क्यों भगवान को धन्यवाद दीजिए? दो कारणों से. पहला कारण तो ये कि आप किसी की मदद कर पा रहे हैं. दैट मीन्स ही हैज़ पुट यू इन दैट पोजिशन दैट यू आर एम्पावर्ड इनफ टू हेल्प अदर्स. सो बी इन ग्रेटिट्यूड टू हिम दैट ही हैज़ गिवन यू सो मच दैट यू आर एबल टू हेल्प समबडी. एंड नंबर टू, हेल्प समवन विद अ ग्रेटिट्यूड कि उसने आपको मदद देने की पोजीशन में रखा है, उसने आपको मदद लेने वाले की पोजीशन में नहीं रखा है. सो वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स यू मस्ट हैव हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज एज टू अ गुड वर्क डन बाय समवन, अ हेल्प डन बाय समवन, हाउ डिड इट कम बैक टू हिम इन सो मेनी फोल्ड्स. I'm sure you must have heard that story about Bill Gates when he was at the airport sometimes, and you know, he helped somebody, and at some other time, you know, the same person helped Bill Gates in a big way. So this is what we should always do. Help others with gratitude to the Almighty. Strive to become valuable for others. You automatically start getting value. तो क्या कोशिश होनी चाहिए जीवन में? जितने अपने आप को हम दूसरों के लिए मददगार बना सकते हैं, जितने हम अपने आप को दूसरों के लिए वैल्यूबल बना सकते हैं, बनाएं. क्योंकि जब हम दूसरों के लिए वैल्यूबल बनते हैं,
तो ऑटोमेटिकली हमको उतनी वैल्यू मिलना शुरू हो जाती है। लेट्स कम टू दी सेकेंड पॉइंट, टूल्स फॉर प्रमोटिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप। सो हाउ टू प्रमोट दी पॉजिटिव रिलेशनशिप, यूज इमोशनल इंटेलिजेंस। वॉट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि किसी को भी इमोशनली हर्ट मत करो, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। और एक और लाइन अगर इसमें ऐड कर दूँ वो ये कि दूसरा अगर कोई आपको इमोशनली हर्ट करना चाहे तो उसको करने दो, लेकिन आप उसका असर अपने ऊपर मत आने दो, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। यूज इमोशनल इंटेलिजेंस। मेक यूज ऑफ NLP टू इम्प्रूव पीपल स्किल्स। वॉट इज इमोशन? NLP इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मेक यूज ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग फॉर इम्प्रूविंग योर पीपल स्किल्स। बी ऑब्जेक्टिव एंड नॉट इमोशनल। एंड दिस इज समथिंग विच यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर। किसी भी सिचुएशन में देर इज नो नीड टू बी इमोशनल एंड गो फॉर एन इमोशनल आउटबर्स्ट। बी ऑब्जेक्टिव। काम क्या है, करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसके ऊपर फोकस करो। सो बी ऑब्जेक्टिव, डू नॉट वरी एज टू किसने क्या किया, कैसे नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, बिकॉज देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। नॉट ओनली यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, बट ऑल्सो यू आर बिल्डिंग पुअर पीपल स्किल्स। सो बी ऑब्जेक्टिव, नॉट इमोशनल। यूज डेस्क्रिप्टिव एंड नॉट जजमेंटल लैंग्वेज। किसने कोई काम खराब कर दिया, उसको बैठा के समझाओ कि देखो ये काम को इस तरह से किया जाता है, इस काम को अगर इस तरह से करोगे तो इसका रिजल्ट बराबर आएगा, और इस तरह से नहीं करोगे तो ये गड़बड़ होगी और इसका अपने को इतना नुकसान होगा। सो यूज डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज रादर देन सेइंग तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम बेवकूफ हो, तुम नकारा हो, तुम बदतमीज हो, तुम किसी काम के नहीं। विल नॉट हेल्प, बिकॉज टेम्परेरीली मोमेंटरीली दैट इमोशनल आउटबर्स्ट ऑन योर पार्ट इन यूजिंग द जजमेंटल लैंग्वेज मे गिव यू सम सेटिस्फैक्शन ऑफ वेंटिंग योर इमोशन आउट, बट इन द लॉन्ग रन यू हैव डैमेज्ड द पीपल स्किल, द रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। एंड रिमेंबर द डैमेज दैट हैपेंस, इट हैपेंस फॉर एवर। एक बार गांठ पड़ गई तो पड़ गई। प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्सेस कंट्रोलिंग। सो फोकस शुड बी ऑलवेज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नॉट ऑन कंट्रोलिंग। दिस इज फ्रेंड्स इज वेरी वेरी क्रिटिकल इन ऑर्गेनाइजेशंस। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल्सो मस्ट हैव नोटिस्ड इट मेनी टाइम्स व्हाई सम ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू हैव गुड रिलेशंस, गुड पीपल स्किल्स, गुड पीपल रिलेशंस विद पीपल, इज बिकॉज देयर फोकस इज ऑन कंट्रोलिंग। हाउ टू कंट्रोल दिस मैन? How to make sure that this man listens to me? How to make sure that he doesn't go out of my control? Doesn't work. So the focus should be where on problem solving. People love to be part of a problem solving person and not to be a part of a person who is trying to control them. Have an attitude of conflict resolution. And that is a quality that we need in any case as a leader. Be open, no hidden motive. Show empathy. Listen with an open mind. Be generous in praise and miser in criticism. तो अगर किसी की तारीफ करनी पड़े दिल खोल के करो, लेकिन किसी को अगर क्रिटिसाइज करना है तो बी एज ऑब्जेक्टिव एंड एज प्रिसाइज एज पॉसिबल। क्योंकि जब हम किसी के सामने इमोशनल आउटबर्स्ट करते हैं तो हम उस पर्सन को अंदर से ब्रेक कर देते हैं। और रिमेंबर, जब कोई आदमी अंदर से ब्रेक हो जाता है तो उसको अंदर से रिकंस्ट्रक्ट करना अपने आप को बहुत मुश्किल होता है, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है, पीपल स्किल्स आर डैमेज फॉर एवर। सो देयरफॉर बी जनरस इन प्रेज एंड माइजर इन क्रिटिसिज्म। एंड एज दे से, प्रेज इन पब्लिक, क्रिटिसाइज इन प्राइवेट। एंड दैट इज द सेकेंड थिंग, सेकेंड पार्ट ऑफ हाउ टू बिल्ड गुड पीपल स्किल्स। नाउ वी कम टू द 10 commandments of good people skills, and this is what I'm going to share with you with small stories. So 10 commandment kaun kaun se hain, aur wo 10 commandment ki baat kare uske pehle ek cheez zara samajh ke le lein, wo ye ki mujhe mere dimag mein
एक परमानेंट कमांड डालनी है। क्या कमांड डालनी है? आई एम गुड एट पीपल स्किल्स। सोते, जागते, पढ़ते, बोलते, खाते, पीते, एवरी टाइम आई हैव टू टेल टू माई सेल्फ आई एम गुड एट पीपल स्किल्स, आई एम गुड एट पीपल स्किल्स, एंड ऑल्सो आई एम एमिंग टू बी अ पर्सन हु इज अ गुड पीपल स्किल्स। दैट्स अ परमानेंट कमांड दैट वी नीड टू गिव। लेट अस लुक एट द 10 कमांडमेंट्स फॉर बिल्डिंग पीपल स्किल्स। नंबर वन, रिमेंबर द रूट कॉज ऑफ रामायण एंड द रूट कॉज ऑफ महाभारत। पीपल स्किल वी आर टॉकिंग अबाउट। महाभारत क्यों हुआ, रामायण क्यों हुई? महाभारत इसलिए हुई क्योंकि द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अनदेखा बेटा अंधा, एंड दैट वॉज द कॉज ऑफ महाभारत। तो जब द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा अनदेखा बेटा अंधा, तो वो पीपल स्किल वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, द रिलेशन वॉज कम्प्लीटली ब्रोकन, एंड इट बिकेम अ सावर रिलेशनशिप। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वॉट दुर्योधन सेड, दुर्योधन सेड there's some disturbance, Rishikesh. Yes, already. So, Duryodhan ko Draupadi ne kaha andhe ka beta andha, aur us samay Duryodhan ne kasam khai ki agar isi jagah tujhe ek din nirvastr karke na nachaya to mera naam Duryodhan nahi. Ramayana kyun hui? Kyunki Sita ne Lakshman se kaha लक्ष्मण तुम्हारी नियत में खोट है। सो द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ गुड पीपल स्किल, नेवर एवर अटर अ बिटर वर्ड टू एनीवन। कितना भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चुप रहिए, शांत रहिए, सोचिए, लेकिन किसी को कड़वा मत बोलिए, क्योंकि कड़वे वचन तो निकल जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि तलवार का घाव भर सकता है लेकिन मुंह से बोले शब्दों का भाव घाव नहीं भरता। द फर्स्ट कमांडमेंट, नेवर एवर अटर अ बिटर वर्ड टू एनीवन। कमांडमेंट नंबर टू, बी अ गुड लिसनर। ठीक है, बी अ गुड लिसनर इज ऑल राइट, बट फॉर गुड पीपल स्किल व्हाट यू नीड टू बी अ गुड नॉन लिसनर। एंड जरा समझ के लीजिए इस चीज़ को, बिकॉज सारी दुनिया में आप बहुत सुनेंगे, लोग आपसे कहेंगे कि बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर, दैट इज़ फाइन, बट मोर देन बी अ गुड लिसनर व्हाट यू नीड टू बी अ गुड नॉन लिसनर। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि वही सुनिए जो आपको सुनना चाहिए, वो मत सुनिए जो आपको नहीं सुनना चाहिए। अगर दुर्योधन ने द्रौपदी के शब्द ना सुने होते, महाभारत ना होता। अगर लक्ष्मण ने सीता के शब्दों को ना सुना होता कि तुम्हारी नियत में खोट है, महाभारत ना होती, क्योंकि लक्ष्मण ना जाते, ना लक्ष्मण वहाँ से जाते, ना दशरथ सीता जी का अपहरण कर पाता और ना आगे की कहानी बढ़ती। आगे की कहानी बढ़ी क्यों बढ़ी ये अलग बात है, लेकिन उससे हम ये लेसन ले सकते हैं कि बी अ गुड लिसनर, वही सुनिए जो आपको सुनना चाहिए। डू नॉट फॉल इन टू द कैटेगरी ऑफ शार्क्स। शार्क का मतलब क्या है? दुनिया में हमको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक वो लोग मिलते हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, पीपल वर सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, कंसिडरेट, हेल्पफुल। दीज पीपल विल एंश्योर दैट यू ग्रो इन योर लाइफ विदाउट एनी हर्डल। And then you have a second category of people. And the second category of people are the people, they will not help you. They will not support you. They will not be considerate. Rather, they will be leg puller. यानि कि क्या? यानि कि आपका अच्छा खासा कोई काम बन रहा है, तो बनते बनते काम को बिगाड़ने के में क्या करा जा सकता है, वो करेंगे। I refer these people metaphorically
एज शार्क्स। वाय? क्योंकि उन ऐसे लोगों का अगर जिक्र भी किया तो फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों का जिक्र भी किया, नाम भी याद आ गया, तो यू स्टार्ट फीलिंग डिस्कम्फर्ट। अदर्स मे बी अ शार्क, लेट देम बी। यू एंश्योर दैट यू आर नॉट अ शार्क टू एनी वन। वेन यू आर नॉट अ शार्क टू एनी वन, योर पीपल स्किल्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। यूज डिप्लोमेसी, बहुत ज़रूरी है। आप एक लीडरशिप पोजिशन में हैं या आप एक लीडरशिप पोजिशन में नहीं हैं, डजेंट रियली मैटर। इवन फॉर अ पर्सन हु इज नॉट होल्डिंग ए लीडरशिप पोजिशन, डिप्लोमेसी इज समथिंग दैट वी हैव टू यूज एवरी टाइम, एवरी नाउ एंड देन। डिप्लोमेसी का एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, एक दिन शनिदेव, भगवान शनि और लक्ष्मी जी में बहस हो गई। क्या बहस हो गई? ये बहस हो गई कि लक्ष्मी जी ने कहा कि लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं, और शनिदेव ने कहा कि नहीं, लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बहस चलती रही आपस में। इतने में भगवान विष्णु वहाँ पर आए। तो लक्ष्मी जी और शनिदेव ने भगवान विष्णु को अपनी जो डिस्कशन था, आर्ग्यूमेंट था, वो सुनाया और उनसे कहा कि आप फैसला करिए कि किसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, लक्ष्मी जी को ज़्यादा पसंद करते हैं या शनिदेव को ज़्यादा पसंद करते हैं। विष्णु जी चक्कर खा गए। क्यों चक्कर खा गए? क्योंकि अगर बोलते हैं कि शनिदेव को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं तो लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी हैं, और पत्नी से पंगा लेना, यानी कि समझ सकते हैं आप। और अगर कहते हैं कि लक्ष्मी जी को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तो शनिदेव से तो पंगा, आप सभी को मालूम है। एक बार 7:30 लग गई तो फिर क्या होता है, हम सभी को मालूम है। तो विष्णु जी ने सोचा, अच्छा एक काम करिए, आप दोनों वो जो पेड़ है ना वहाँ पर, वो पेड़ तक जाइए और फिर वहाँ से लौट के आइए। तो विष्णु जी ने शनिदेव को और लक्ष्मी जी को दोनों को कहा कि आप वो वहाँ पेड़ तक जाइए, लौट के आइए। वो पेड़ तक गए और लौट कर आ गए। उन्होंने पूछा बताइए, तो विष्णु जी ने कहा नहीं, एक बार और जाइए। तो इस तरह से उन्होंने 15-20 चक्कर लगवा दिए, आते रहे जाते रहे। जब दोनों थक गए, लक्ष्मी जी और शनिदेव जब चक्कर लगा लगा के थक गए, तो विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि देखो लक्ष्मी जी, आप लोगों को आती हुई अच्छी लगती हैं, एंड शनिदेव आप जाते हुए अच्छे लगते हैं। बोथ वर हैप्पी, डिप्लोमेसी। दोनों को कह दिया कि दोनों ही लोगों को अच्छे लगते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में? डिप्लोमेसी, थॉट प्रोसेस, एंड दैट इज योर कमांडमेंट नंबर 4। आर्ग्यू ओनली इन कोर्ट और पार्लियामेंट। दुर्भाग्य से आज एक बड़ी टेंडेंसी हो गई है कि लोग छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं। मेक अ नोट, आपके आर्ग्यूमेंट का कब फायदा होगा? आपके आर्ग्यूमेंट का फायदा तभी होगा या तो आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं या फिर आप कोर्ट के वकील हैं। अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं और अगर आप कोर्ट के वकील नहीं हैं, तो आर्ग्यूमेंट करने में अपना समय बर्बाद बिल्कुल मत करिए। रिमेंबर, समटाइम्स यू माइट विन एन आर्ग्यूमेंट बट यू विल लूज अ फ्रेंड एंड विच इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। सो आर्ग्यू ओनली इन कोर्ट और इन पार्लियामेंट। बी लाइक नीलकंठा। अब देखो, भगवान शिव का एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं नीलकंठा। और आपको मालूम है कि भगवान शिव का ये नाम जो है नीलकंठ, वो क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा क्योंकि जब समुद्र का मंथन हुआ, उस मंथन में से जहर निकला, और वो जहर इतना खतरनाक कि कोई भी उसको लेने को तैयार नहीं। बहुत हीरे जवाहरात निकले, बहुत कुछ निकला, वो सब लेने को तैयार हो गए, लेकिन हलाहल जहर वो जब निकला तो उसको कोई लेने को तैयार नहीं। और वो जहर इतना खतरनाक क्योंकि जहाँ भी इसको डाल दें, वो सारा उसका आसपास की सारी जगह भस्म हो जाए, तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसको छोड़ भी दें। तो वो लोग कहते हैं असुर और सुर दोनों मिलके भगवान शिव के पास गए और शिव भगवान को उन्होंने अपनी समस्या सुनाई। भगवान शिव ने क्या किया? भगवान शिव ने वो हलाहल विष पूरा पी लिया, लेकिन क्या किया उन्होंने,
उन्होंने वो विष को कंठ पर रोक दिया, उसको कंठ के नीचे जाने नहीं दिया। कहते हैं कि चूंकि भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में रोक लिया, तो उस विष की वजह से उनका जो कंठ है वो नीला हो गया, और इसलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। और चूंकि उन्होंने विष को अपने गले तक ही रोक लिया, हृदय तक जाने नहीं दिया, इसका मतलब उस विष का भगवान शिव के ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जीवन में कुछ खट्टी मीठी कड़वी बातें नहीं होंगी, जरूर होंगी। क्या करिए, बी लाइक ए नीलकंठ, यहाँ पर रोक लीजिए, यहाँ तक मत आने दीजिए। एंड दैट इज कमांडमेंट नंबर 6। ऑलवेज यूज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। हंसना जरूरी है, और ये जीवन को पूरा हंसते हंसते बिताना जरूरी है। फाइंड आउट द रीजंस एज टू हाउ यू कैन मेक पीपल लाफ। यू आर इन अ मीटिंग, यू आर इन अ डिस्कशन, सम सीरियस मैटर हैज कम अप, द होल एटमोसफियर इज टेंस्ड। ट्राई एंड थिंक एंड ब्रिंग सम ह्यूमर इन दैट मोमेंट। एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स, इन योर ओन लाइफ मैनी टाइम्स यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट डिफिकल्ट सिचुएशंस गॉट मैनेज्ड बिकॉज समबडी यूज्ड अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। दैट्स योर कमांडमेंट नंबर 7। यूज एंगर एज गांधी डिड। गुस्सा आएगा, लाइफ जिंदगी जीवन में रहते हैं, गुस्सा आना नेचुरल है, लेकिन उस गुस्से का इस्तेमाल कैसे करिए? उस गुस्से का इस्तेमाल उस तरीके से करिए जैसा कि गांधी ने क्या किया। गांधी को चलती ट्रेन से उठा के बाहर फेंक दिया। गांधी को गुस्सा आया, लेकिन गांधी ने खड़े होकर गुस्से में गालियां नहीं दी। गांधी ने गुस्से का क्या इस्तेमाल किया? गांधी ने डिसाइड किया कि जिस तरह से आज तुम लोगों ने मुझे चलती ट्रेन से बाहर फेंका है, एक दिन मैं तुमको अपने देश से निकाल के बाहर फेंकूंगा। पीपल स्किल्स। यूज एंगर एज गांधी डिड। किसी के साथ भी सिचुएशन में एंगर आ रहा है, टेल योरसेल्फ कि इस एंगर को मैं किस तरह से पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करूं, किस तरह से इस एंगर का पॉजिटिवली इस्तेमाल करूं। रिमेंबर, ये जो मशीन है यहाँ पर, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग मशीन है। ये आप जैसा चाहोगे वैसा काम करती है, और अगर आप नहीं चाहोगे तो फिर ये अपने हिसाब से काम करती है। जब आप चाहोगे तो आपके हिसाब से काम करेगी, और आप नहीं चाहोगे तो फिर ये अपने हिसाब से काम करेगी। जब ये अपने हिसाब से काम करेगी तो जीवन को नर्क बना देगी, लेकिन जब ये मशीन, आप इस मशीन को अपने हिसाब से काम करने को लगाएंगे, तो यही मशीन आपके जीवन को स्वर्ग बना देगी। टेल योर सेल्फ, आई वॉन्ट यूज द एंगर एज गांधी डिड। बिलीव अदर पर्सन मे ऑल्सो बी राइट, एंड दैट इज सो मैनी टाइम्स। पीछे मुड़ के देखिए जीवन में, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पुरानी बातें याद आएंगी, और आपको याद आएगा कि आपको लगा कि आप सही थे, लेकिन आज आपको लगेगा नहीं, आप सही नहीं थे, सामने वाला सही था। सामने वाला सही हो या ना हो, कुछ देर के लिए क्या बुराई है ये मानने में कि यार ही आदमी भी सही हो सकता है। एंड रिमेंबर, द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी राइट, वॉट इज द एडवांटेज? द एडवांटेज इज नाउ योर माइंड इज हैज स्टार्टेड थिंकिंग डिफरेंटली। नाउ योर माइंड इज टेकिंग ए डिफरेंट रूट। नॉट ओनली योर माइंड इज टेकिंग ए डिफरेंट रूट, जैसे ही आपने सोचा कि ये आदमी सही हो सकता है, आपकी टोन बदली, और आपकी टोन बदली तो सामने वाले की भी टोन बदल गई, क्योंकि सामने वाले की टोन आपकी टोन के हिसाब से चलती है। सो रिमेंबर, बिलीव अदर पर्सन मे ऑल्सो बी राइट। एंड फाइनली फ्रेंड्स, रिमेंबर, आपने देखा होगा ना कि बहुत जगह लोग अपने घर के दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग के रखते हैं। क्यों टांग के रखते हैं? इतना बड़ा संदेश है, लेकिन टनों नींबू, टनों मिर्ची रोजाना वेस्ट होती है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि ये मिर्ची लटकाने का मकसद क्या है, ये नींबू लटकाने का मकसद क्या है। ऑन दी उम्बरठा, जो थ्रेशोल्ड अपने घर का, वहां पर इसको क्यों लटकाते हैं? समझ के लीजिए, इसको क्यों लटकाते हैं हमारे पूर्वज? वी आर सो फॉर्चुनेट कि हमारे देश की संस्कृति
हमारे देश के संस्कार, हमारे देश की नॉलेज इतनी ज़बरदस्त है कि पूरी दुनिया में हम हमारे ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसे ही नहीं, सदियों से घर की दहलीज पर नींबू लटकाते हैं लोग या मिर्ची लटकाते हैं लोग, उसका मकसद है, उसका मकसद लोग भूल गए, इसलिए प्रॉब्लम है। उसका मकसद अगर याद रहे, पीपल स्किल इम्प्रूव। नींबू, रिमेंबर, लेमन इज सिंबल ऑफ सारनेस। नींबू क्या याद दिलाता है आपको? खट्टेपन की। मिर्ची क्या याद दिलाती है आपको? कड़वेपन की। संबंधों में क्या नहीं होना चाहिए, संबंधों में क्या नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी संबंध हो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? संबंधों में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, संबंधों में खट्टापन नहीं होना चाहिए। अगर संबंधों में कड़वाहट नहीं है, संबंधों में खट्टापन नहीं है, संबंध अमृत की तरह मीठे हो जाते हैं। क्यों लटकाते हैं नींबू और मिर्ची? कि जब घर से बाहर निकलो, जब घर से बाहर निकलो तो निगाह जाए उस मिर्ची पर, उस नींबू पर जो लटका हुआ है, और तुरंत याद आ जाए कि मैं घर से संसार में जा रहा हूँ, संसार में रह के मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे कड़वाहट पैदा हो, मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे खट्टापन पैदा हो। रिमेंबर दैट, दैट इज़ अ रिमाइंडर व्हेन यू आर एंटरिंग द वर्ल्ड। शाम को घर से वापस, घर दुनिया से वापस लौटते हैं घर में, निगाह पहले जाए आपकी उस नींबू पर, उस मिर्ची पर, और याद आ जाए, क्या याद आ जाए? कि संसार से घर में आ रहा हूँ। जो भी अच्छे बुरे अनुभव रहे होंगे, उसकी खट्टापन, उसकी कड़वाहट मुझे घर के अंदर लेके नहीं जानी है, वो मुझे इसी दहलीज पर छोड़नी है। दैट इज़ फ्रेंड दी कमांडमेंट नंबर 10, रिमेंबर दी लाइम एंड चिली। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर की दहलीज पर लाइम और चिली लटका के रखें, अगर आपको हमेशा याद बनी रहे, दैट इज़ ऑल्सो सफिशेंट। सो फ्रेंड्स, बींग गुड इन पीपल स्किल्स नॉट ओनली हेल्प्स अस अचीव मैनी माइलस्टोन्स इन लाइफ, बट इट ऑल्सो अ ग्रेट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। यानी कि हमारे अच्छे संबंध लोगों के साथ में न सिर्फ हमको सक्सेसफुल होने में मदद करते हैं, बल्कि लोगों के साथ में हमारे संबंध जीवन में मधुरता के, खुशी के, आनंद के बहुत बड़े सोर्सेज हैं। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई कम टू द क्लोज ऑफ माई सेशन टुडे। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल हैप्पी स्किल्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।